हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 7 से 10 तक। अगर आपने 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न 7 से 10 तक। तो देखिए प्रश्न क्या था हमारा, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो करते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 7। सबसे पहले तो प्रश्न संख्या 7 में हमें समीकरण क्या दिया गया है, x बराबर 4/5 और ब्रैकेट में x प्लस 10, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो भाग में 5 है इसको इधर लेके जाएंगे। तो ये जब इधर आएगा, इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो x गुणा 5 लिखेंगे बराबर, इधर क्या बचा ये 4 और ये ब्रैकेट में x प्लस 10। तो अब देखिए 5 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर, ये 4 को पहले x से गुणा करेंगे तो 4x, फिर 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। आपको समझ में नहीं आया कि इस 4 को दोनों से क्यों गुणा करेंगे, तो आप मेरा 1 से 6 तक का जिसमें मैंने प्रश्न कराया है वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने समझाया है। तो करते हैं अब आगे इसको, तो देखिए 5x को सेम लिखेंगे और ये 4x जो इधर प्लस में है इधर जब आएगा बराबर के तो माइनस में 4x हो जाएगा, तो अब इधर कितना बचा ये 40 बचा। अब आगे क्या करेंगे देखिए, 5x में से 4x घटेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो कितना बचेगा 1x। अब 1 लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ही x है, तो x बराबर कितना आ गया 40। इस तरह से हमने x का मान निकाला। अब यहाँ पे हम इसको जांच कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 40, तो ये 40 बराबर 4/5 ब्रैकेट में ये x यानी कि 40 प्लस 10, तो कितना हो गया ये। अब देखिए 40 को सेम लिखेंगे बराबर ये 4 और 5/5, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और 40 प्लस 10 50, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 10 5 50, तो कितना बचा अब हमारे पास ये 40 बराबर ये 4 गुणा 10, तो 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दहम 40। इस तरह से हमने दोनों तरफ बराबर बराबर कर दिया। अब करते हैं अपना प्रश्न 8। तो देखिए प्रश्न 8 में हमें क्या समीकरण दिया गया है, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, ये हमें समीकरण दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इसमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस 2x/3 को सेम लिखेंगे और ये 7x/15 जो है इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये 7x/15 माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 7x/15 हो गया बराबर, इधर क्या बचा 3 और ये प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, पहले तो इन 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 15 का एलसीएम 15। मैंने ये इतनी जल्दी कैसे ज्ञात किया, क्योंकि इसका एक ट्रिक है देखिए, कि जब भी एलसीएम लेना हो और उसमें जब दोनों ही संख्याएं एक ही पहाड़े में आती हो और उसमें जो बड़ी संख्या है वही हमारा एलसीएम होता है, जैसे कि 3 और 15 है तो 3 के पहाड़े में दोनों आता है और इसमें बड़ी संख्या 15 है, इसलिए यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। अब क्या करेंगे 3 से 15 में भाग तो 5 आएगा और 5 को 2x से गुणा तो कितना हो जाएगा 5 दुना 10x, ये माइनस 15 से 15 में भाग 1 को 7x से गुणा तो कितना हो जाएगा 7x बराबर, इधर क्या बचा 3 में से 1 घटेगा तो 2। अब आगे क्या करेंगे देखिए 10x - 7x तो कितना होगा 10x में से 7x घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x और नीचे कितना है 15 बराबर, इधर क्या बचा 2। तो आगे क्या करेंगे अब ये 3x सेम लिखेंगे और ये 2 सेम, ये जो 15 है भाग में जब ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, तो 3x बराबर कितना हो गया 3 2 गुणा 15 30। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो ये 30 और ये 3 गुणा में है तो इधर आके भाग में,
तो देखिए 3 एकम 3, 3 दहा 30, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से हमारा 10। तो इसी तरह से अब हम इसको यहाँ पर जांच कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, 2x + 1 और ये बटा 3 है बराबर 7x / 15 + 3। अब इसमें x का मान रख देते हैं, तो 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा, और x का मान कितना आया है 10 बटा 3 है प्लस 1। इसी तरह से इधर 7 × 10 / 15 + 3 ये हमने कर लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 10 से गुणा तो कितना हो जाएगा 2 दहम 20, और इसमें हम क्या करेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और नीचे कितना है 3 है तो 3 लिख दिया बराबर। इसी तरह से इधर भी 7 को 10 से गुणा तो 70, और यहाँ पर प्लस 15 को 3 से गुणा तो कितना हो जाएगा 45 बटा कितना है नीचे 15। अब देखिए 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, 23 / 3 बराबर इधर 70 + 45 कितना हो जाएगा 115 / 15। अब इसमें अगर इसको हम काटेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये 3 बार में और ये 23 बार में, तो कितना बचा हमारा 23 / 3 और इधर बराबर 23 / 3, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा 8वां प्रश्न हल होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 9 में हमें क्या समीकरण दिया गया है, 2y + 5/3 = 26/3 - y, ये हमें समीकरण दिया गया है। तो हम क्या करेंगे अब 2y तो सेम लिखेंगे, और ये जो माइनस वाई है इधर जब आएगा बराबर के तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाई। अब ये 26/3 सेम लिखेंगे यहाँ, और ये जो +5/3 है इधर आके क्या हो जाएगा -5/3। अब आगे क्या करेंगे देखिए, 2y + 1y कितने हो गए 3y बराबर, अब 3 और 3 नीचे हर समान है तो इसको एक बार लिख देते हैं और ऊपर वालों को घटा देते हैं, 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। तो इस तरह से हमारा अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब कि 3y बराबर कितना हो गया 7, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा ये 7, और ये जो 3 इसके साथ गुणा में है यहाँ जब आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब कि y बराबर कितना आ गया 7/3। अब इसको हम यहाँ पर जांच लेते हैं, सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब इसमें हम जहाँ y है वहाँ हम y का मान रख देंगे, तो देखिए 2 तो 2 लिखा, अब y यानी गुणा का चिन्ह, फिर y का मान 7/3 प्लस ये 5/3 बराबर ये 26/3 - 7/3, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का 7 से गुणा तो 2 × 7 = 14/3 और ये +5/3 बराबर ये 26/3 है और -7/3 सेम लिख दिया हमने। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हर समान है तो हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर वालों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 14 + 5 = 19 बराबर इधर भी हर समान है तो इधर भी एक बार लिखेंगे, और ये 26 - 7 है तो 26 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 19, तो 19/3 = 19/3 हो गया। इस तरह से ये 9वां प्रश्न हल होगा। अब देखिए इसका 10वां और अंतिम प्रश्न, तो 10वें प्रश्न में हमें क्या समीकरण दिया गया है, 3m = 5m - 8/5, ठीक है ये हमें समीकरण दिया गया है। तो ये 3m सेम रहेगा, ये 5m को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आके -5m बच जाएगा और इधर क्या बचा ये -8/5। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 3m में से 5m घटाएंगे तो 3m में से 5m तो घटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, तो 2m और ये माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है, तो -2m बराबर इधर क्या है -8/5। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये भी माइनस ये भी माइनस तो हम इसको काट सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास 2m = 8/5।
तो m का मान कैसे निकलेगा, m बराबर ये 8/5, ये दो यहाँ पर गुणा में है, तो जब इधर आएगा तो नीचे भाग में हो जाएगा और इन दोनों के बीच ये गुणा का चिन्ह। तो m बराबर कितना आ गया यहाँ से, देखिए ये कट जाएगा 2 और 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो m का मान कितना आ गया 4/5। ये हमने m का मान निकाला। अब हम इसको जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे 3m = 5m - 8/5। तो m का मान हम कितना लिखेंगे, 4/5, क्योंकि 4/5 हमारा निकला है, तो 3 × 4/5 = 5 × 4/5 - 8/5। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 को 4 से गुणा, तो 3 × 4 = 12, 12/5 = अब देखिए 5 को 4 से गुणा, तो 5 × 4 = 20, 20/5 - 8/5। तो यहाँ से इधर तो 12/5 है ही, इधर देखिए हर समान है और ऊपर वाले माइनस में है, तो क्या होगा, 20 में से 8 घटेगा और नीचे वाले हर समान है तो एक बार लिखा जाएगा, तो 20 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 12। तो इस तरह से दोनों तरफ बराबर हो गया। इस तरह से हमारे प्रश्न संख्या 7 से 10 तक के हल हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिला करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के साथ। धन्यवाद।